जिला हमीरपुर के लोक मित्र केंद्र संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक नरेंद्र ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोक मित्र केंद्र संचालक उनसे मिलने पहुंचे तथा अपनी व्यथा सुनाई। लोक मित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि लोक मित्र केंद्र में कई तरह की सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें नाममात्र ही दाम दिए जाते हैं। काम के दाम का 80% हिस्सा सरकार के खाते में चला जाता है। इनके हिस्से में आने वाला नाममात्र हिस्सा नाकाफी है। पिछले 13 वर्षों से सेवाओं के रेट रिवाइज नहीं किए गए हैं। जो मूल्य 13 रुपये पहले थे आज भी वही हैं। ऐसे में इनके लिए परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं है। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर समस्त लोक मित्र संचालक CSCVL सोसाइटी हमीरपुर ने नरेंद्र ठाकुर को ये ज्ञापन सौंपा है। मित्र संचालक पूरे हमीरपुर जिला के आज माननीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी को हमारी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया। हमारे लोक मित्र केंद्र पर जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं तहसील में जो भी सर्टिफिकेट बनते थे वो अब लोक मित्र केंद्रों में बन रहे हैं, तो उनके लिए जो रेट जो है सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो बहुत ही कम है। उसमें जो है 70-80% से ज़्यादा उसमें जो रेट का पार्ट रहता है वो सरकार को जाता है और हमें मात्र 6 या 7 रुपये बचते हैं जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं। तो उन्हीं के ऊपर आज हमने जो है विधायक जी को अपना ज्ञापन पत्र दिया, क्योंकि हमारे रेट जो है 2008 से लोक मित्र केंद्र चल रहा है उस समय से बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। जो रेट 13 साल पहले निर्धारित किए गए थे वही लोक मित्र संचालकों को आज भी सेवाएँ प्रदान करने के लिए मिल रहे हैं।